इनके, एसपी इनके, ठीक है, एमएलए इनके, सांसद इनके, जब वो लड़के खुद पोस्टें डाल डाल के ये बात बोलते हैं कि हमारा तो एमएलए है, हमारा तो एमपी है, उसके अंदर ही चाकू छोड़ के और इतने बड़े दांते चाकू के वही मार के जो भाग गए कि जिस दिन हमारे सिर से पानी गुजर जाएगा, बिल्कुल हद पार हो जाएगी, तो मजबूरी में फिर या तो बाबा रेल में तो या फिर जेल में। जो चाकू तो मारने वाले चाकू मार गए, उसके बाद इस सिख कौम को और उन बच्चों को बदनाम करने के लिए कोई दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख कर चला गया। अभी तो हम भी कहाँ गए प्रशासन नू कि जेड़ा बंदा भी इस गल दे विच मतलब स्लिप्त है उन्हें शरेआम गोली मारी जाए ताकि अगे वास्ते ये खालिस्तान वाला सिस्टम बंद हो जाए। सिख समाज हमेशा हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का रहेगा। सिख समाज हिंदुओं के लिए 24 घंटे कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सीएम सिटी बनी क्राइम सिटी और आम जनता खा रही ठोकरे। नमस्कार, मैं रविंदर सरपंच और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। और इस समय हम खड़े हैं सीएम सिटी के जिला सचिवालय में हम खड़े हैं और हम आपको बता दें कि यहाँ पर हर दिन ऐसे मामले आते हैं, हर दिन यहाँ पर चाकू चलते हैं, तलवारें चलती हैं, जिसमें नौजवान जख्मी हो जाते हैं और कभी कभी तो जो नौजवान है वो इस दुनिया को छोड़कर भी चले जाते हैं। और हम आपको बता दें कि 15 जून को जो शिक्षण संस्थान है पंडित चिरंजी लाल शर्मा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है, वहाँ पर भी एक सिख युवक पर चाकुओं से हमला किया जाता है और तमाम इंक्वायरी होती है, उनका इलाज किया जाता है। और आज यहाँ पर सिख समाज यहाँ पर जो पहुँचा हुआ है, तमाम यहाँ पर उसके परिवारजन यहाँ पर पहुँचे हैं, हम उनसे पूछेंगे कि जो गुरुतेज हैं उन पर जो हमला किया जाता है चाकुओं से, जी हाँ, पंडित चिरंजी लाल शर्मा जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है वहाँ पर हमला किया जाता है चाकुओं से, गुरुतेज पर हमला किया जाता है। और हाँ जी, कैसी सिचुएशन है अभी उनकी? गुरतेज सिंह की सिचुएशन तो सर अभी क्रिटिकल ही है, अभी तक डॉक्टर साहब ने छुट्टी नहीं दी। आज एसपी साहब से मिलने पहुंचे हैं, जो मेन मुख्य आरोपी है साहिल राणा, जो कि एएसआई का लड़का है, वो अभी तक फरार है। 6 लोग उसमें हैं जो गिरफ्तार हैं, तो अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो एसपी साहब के पास यही बार बार रिक्वेस्ट लेके पहुँच रहे हैं कि इसका मतलब तो उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही ना, वो एएसआई का लड़का है। अगर किसी आमजन के बंदे थे वो तो सारे उठा लिए, बाकी सबको उठा लिया। तकरीबन जो उनमें से जिन बंदों का नाम दर्ज हुआ है तो 22 लड़के थे, लेकिन 7 बंदे जो थे जो बिल्कुल जिनका नाम जानते थे उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हुई है। बाकी क्या वजह है जो उसको नहीं उठाया गया? सर देखो, एएसए इनके, डीसी इनके, एसपी इनके, ठीक है, एमएलए इनके, सांसद इनके, जब वो लड़के खुद पोस्टें डाल डाल के ये बात बोलते हैं कि हमारा तो एमएलए है, हमारा तो एमपी है, हमारा क्या, हमारा तो इस देश में देखो ना कोई हमारा अधिकारी है ना कोई हमारा प्रशासन अधिकारी, हमें कोई रोज़ शौक नहीं है, हम रोज़ की रोज़ आते हैं यहाँ। देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति से लेके नीचे तक इनके हैं, हमारा तो कुछ नहीं है। अगर मैं इनका इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हमें इंसाफ नहीं मिल रहा तो हम तो इनका बोलेंगे। हाँ, एक लड़के को लठ लग जाते हैं, ठीक है, उस लड़के का कसूर होता है, वो लड़का बुलाता है कि हाँ तेरे पापा यहाँ खड़े हैं, यहाँ मिलने आ, तो वो लड़कों का झगड़ा होता है, डंडा लग जाता है, ठीक है, उसकी फ्रैक्चर बता के, और हमारे लड़कों को रिमांड पे लिया जाता है और हमारे लड़के को चक्कू मार दिया जाता है, तो उनका कुछ भी नहीं है। इसके साथ तो साफ साफ नजर आता है कि देश के अंदर हमारे साथ विधकरा हो रहा है। तो सर इसका तो साफ साफ मैसेज ये है कि जिस दिन हमारे सिर से पानी गुजर जाएगा, बिल्कुल हद पार हो जाएगी, तो मजबूरी में फिर या तो बाबा रेल में तो या फिर जेल में, दो ही काम है। और तीन बार हमले हुए हैं, 3 बार पहल किया है, 13 सेक्टर में शीशा तोड़ा था हमारी गाड़ी के, हमारा कोई मैटर नहीं है। अगर पटियाला के अंदर वो दुर्घटना हुई थी, जो भी रोड़ा हुआ था, तो वो पंजाब सरकार जाने, पंजाब प्रशासन जाने, डीजीपी जाने वहाँ के, हमारा कोई मैटर नहीं है। लेकिन यहाँ हरियाणा के अंदर जान बूझ के करनाल के अंदर प्रताड़ित करना, वो हमें किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। और इतना भी सीधी चेतावनी है, इतना भी कम ना समझें कि हम चुप बैठने वाले हैं, किसी की मार खाते रहेंगे। एंड तक हम देख रहे हैं, अभी तक भी प्रशासन हमें बोलता है कि आप शांत रहिए, हम आपके साथ हैं, तो हम भी कहते हैं प्रशासन के साथ हम हैं, लेकिन हमें कहीं ना इंसाफ तो मिले, कहीं कोई संतुष्टि नहीं, हमें कोई भी संतुष्टि नहीं है। सर करीबन हमारे लड़के का अभी तक 5 लाख रुपए के करीब उसका खर्चा हो चुका है, गरीब फैमिली से वो लड़का है, लेकिन हमें अभी तक कोई संतुष्टि नहीं है। जान बूझ के सरकार के नुमाइंदे करवा रहे हैं और राज्य के अंदर, अपना स्टेट के अंदर जान बूझ के दंगा करवाने के काम कर रही है सरकार, कर रही है, यहाँ के एमएलए एमपी कर रहे हैं और यहाँ के जो भी मेन अधिकारी हैं वो करवा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं सिख समाज को टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, टारगेट है सर,
टारगेट क्यों नहीं? कॉलेज के अंदर बच्चे जाते हैं, उनकी पगड़ी को देख के उन्हें टारगेट किया जाता है, और इससे ज़्यादा टारगेट क्या होगा? चक्कू मार दिया जाता है, अरे एक ही कमर में दो चक्कू लगते हैं, है? उसका कोई नाम ही नहीं है, है? दो एक को बेल्टों से छेद दिया जाता है, इसका मतलब कि हम दो तीन जाते हैं ना। अब खालसा कॉलेज है, इन्होंने तो कह दिया जी गवर्नमेंट कॉलेज तो हमारा है, खालसा कॉलेज है गुरु नानक खालसा कॉलेज, उसमें सारे सरदार पढ़ते हैं और दूसरे भी कम्युनिटी। आज तक दिखा दो मुझे किसी लड़के ने किसी के ऊपर हमला करा हो, अत्याचार करा हो, ठीक है? अभी पिछले दिन वहाँ पे महाराणा प्रताप जी की जयंती थी, तो शहर के अंदर पूरा मतलब कि एक यात्रा निकाली गई और उन्होंने कहा कि हमने खालसा कॉलेज में झंडा लगाना है, तो लगा लो, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो किसी के झंडे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगाओ, अच्छी बात है, हम लगाएंगे, हम उठाए फिर रहे हैं, हैं? झंडा किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन जान बूझ के जो पॉलिटिशियन है वो युवाओं के अंदर वैर विरोध जहर फैलाने का काम कर रही है और कुछ नहीं है। लेकिन अभी तक तो हमारा भाईचारा बना भी हुआ और हम और भी बना रहे हैं, लेकिन जब बिल्कुल ही हद हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे? यानी कि कहीं ना कहीं जो ये हमले किए जाते हैं, कहीं ना कहीं माहौल खराब करने के लिए हमले हो रहे हैं जी। अब दीवारों पर कुछ कह रहे हैं, अभी इन्होंने कुछ किसी ने लिखा है, तो इसका मतलब कि सीधा सिख कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। एसपी साहब क्यों नहीं दे, क्यों नहीं फुटेज निकलवाते, क्यों नहीं सोशल मीडिया के रास्ते सोशल मीडिया पे करवाते, कौन बंदे हैं वो जो तो प्रशासन क्यों खामोश बैठा है? वो तो जी अब दबाव सरकार का दबाव है, इसलिए प्रशासन खामोश बैठा है, कलम के ऊपर प्रशासन के ऊपर सरकार का दबाव है। यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासन खुद इन्वॉल्व है, माहौल खराब कर रहा है। AIC का लड़का AIC का लड़का फरार है चक्कू मारने में, जो मेन वो है साहिल राणा, क्यों नहीं पकड़ा? एसपी साहब क्यों नहीं कार्रवाई करवा रहे? दूसरों के तो आधी रात को छापे लगवा के लड़के उठा लिए गए थे, हैं? इनका क्यों नहीं उठवा रहे हैं? तो हम भी अकेले घूमते हैं, एक दिन मेरे पीछे यहाँ पे बदतमीजी कही, पर लेकिन आज तक हमने शेयर नहीं करा मॉडल टाउन के अंदर। इसका मतलब कि ये नहीं है तो भी अकेले अकेले बंदे को टारगेट करेंगे, फिर जब हद से बर्दाश्त से बाहर निकल जाएगा तो फिर बंदा मरता हुआ क्या नहीं करता, फिर हर काम करता है। तो सो मैं सरकार से भी और DC साहब करनाल DC साहब से भी कि करनाल का माहौल शांत है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसे जिन जो लोग ऐसी शरारतें करते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, चाहे उसमें मैं भी हूँ, मेरी इन्वेस्टिगेशन करके और पूरा अंदर ठोकें, जो धाराएं लगती हैं वो ठोकें, लेकिन बेगुनाह को ना फंसाएं। अब जो आम घर जन के थे वो तो उठा लिए छे, वो उस अजय उसके साथ थे, साहिल राणा के साथ, लेकिन साहिल राणा अधिकारी का लड़का तो वो फरार है, वो क्यों नहीं उठाया? कितने शामिल थे इसमें हमला करने में? हमला करने में 25 के करीब, 22-25 के करीब नौजवान, 22-25 के करीब। हाँ जी। और कितनों पे हमला किया गया था? तीन लड़कों पे हमला हुआ। तीन लड़कों के हमला, हाँ, किया जी, था। गंभीर कौन है अभी? गंभीर गुरतेज सिंह है। अच्छा, गुरतेज। तो प्रशासन से कोई अभी कोई संतुष्टि नहीं? नहीं जी, हमें कोई संतुष्टि, तो कोई आशा है प्रशासन से? हमें तो लग तो नहीं रही है, जैसे कि हम चक्कर लगा रहे हैं, जितने दिन हो गए हमारा लड़का वहाँ पे पड़ा है, लग तो नहीं रही है। अगर प्रशासन से हमें संतुष्टि होती तो अजय साहिल राणा जो लड़का फरार है अब तक अंदर होता, वो क्यों नहीं अंदर है? FIR कर ली थी उनके खिलाफ? हाँ जी, FIR दर्ज है, लेकिन वो फरार है। तो हमारी तो यही उम्मीद है कि सरकार सख्त कार्रवाई करे तो हमें जब भी संतुष्टि होगी, हमें ऐसी संतुष्टि नहीं है। हम ये नहीं कह रहे उनके ऊपर ही करे, अगर मेरी गलती है तो मेरे ऊपर भी करें, लेकिन ये ऐसा ना करें कि माहौल ना ख़राब करें, बस ये विनती है बार बार। हम तो बोल बोल के और आके भी परेशान हो गए हैं, और SP साहब का, हमारे करनाल SP साहब को शौक लगता है कि ये घर से फालतू हैं, एरा वगैरह हैं जो रोज ही चले आते हैं, इतने हम फालतू नहीं हैं, हमारा परिवार भी है, हमारी फैमिली भी है, हमारे बच्चे भी हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहो? क्या प्रशासन तो 4-5 पकड़े हैं जो जिनके ऊपर कार्रवाई की है उन्होंने, तो इसमें अनुभव कम से कम 12-13 जाने हैं, और तो उन पे भी हम चाहते भी वो क्यों नहीं पकड़े अभी तक, उनको भी गिरफ्तार किया जाए, इसलिए हम सारे यहीं आए हुए हैं आज इकट्ठे होकर, और SP के पास ऊपर गए हुए हैं मिलने के लिए। अभी जो आश्वासन है हमें शायद कुछ हो जाए, लेकिन हमें लगता नहीं भी वो बाकी उन पर कार्रवाई हो दूसरों पर। कहाँ पे इलाज चला हुआ है गुरतेज का? ये बालाजी हॉस्पिटल है जी, ठंडी सड़क पे, उसके अंदर चला हुआ उसका। तो आगे ये जी बार बार ये अटैक कर रहे हैं हमारे पे, सब पे जी। कभी दीवारों पर खालिस्तानी लिख कर और नाम किसका ले देते हैं, हम कहते भी उसका नाम लिखो ना, उसको जिसने ये करा उसको पकड़ते क्यों नहीं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? जिसने लिखा ये किसकी चाल है, ये सब जानते हैं किसकी चाल है, ये प्रशासन को भी पता है, सारा पता है इनको, कौन लिखता है कौन नहीं, और बदनाम सिखों को किया जाता है, आम जनता को किया जाता है, बीच में सिख भाईचारा हमारा आपस में ख़राब करते हैं सबके साथ, ये भाईचारा नहीं रहने देते हमारा बना, हम चाहते हैं कि हमारा भाईचारा बना रहे और वही अच्छा है और ठीक, अपना लेके इसको ख़राब ना किया जाए और इसको किसी का नाम ना दिया जाए,
खालिस्तानी का या आतंकवादी का या वैसे, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जिसने भी ये जिसने भी की उसको कार्रवाई की, उसको खड़े होकर गोली मारी जाए। जो करता है ये खालिस्तानी बोलता है या कोई लिखता है, उसको क्यों नहीं पकड़ते, उसको क्यों नहीं पकड़ते? हम ये पूछते हैं प्रशासन से, क्यों नहीं पकड़ते? कोई मुजरिम है, कोई कत्ल करता है, कोई चोरी करता है, कोई भी करता है, कोई डकैती करता है, कोई मार के भाग देता है, फर्ज से पकड़ लेते उसको। एक इनके पास ये नहीं पकड़ा गया है जिसने लिखा है दीवारों पे खालिस्तान। ये सब जानते हैं, ये चाल सब पता है, प्रशासन की चाल है, इनकी आपस में है इनकी। ये जो बीजेपी आ रहा है कराती है, ये इनकी है सब, और कोई नहीं करता। बाहर से किसी को खालिस्तान नहीं चाहिए, किसी को नहीं। हम भी यहीं पैदा हुए हैं, हमारा भी जन्म यहीं होया। कि हमारे को अच्छा नहीं लगता देश, हमारे को ये अच्छा नहीं, हमारा भाईचारा है, सबके साथ बनाया है। कोई आज तक किसी के साथ कोई हमने बिगाड़ी नहीं, ना बिगड़ी है हमारी। और तेज को लेकर क्या मतलब आशा करते हो, क्या प्रशासन से गुहार लगाते हो, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम तो यही गुहार लगाते हैं जी, एसपी साहब से आज आए हैं भी, जो और भी हैं इनमें चार पांच, उनको भी पकड़ा जाए। हमारी तो यही गुहार है कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इसके अंदर गिरफ्तार करके और बाकी का रिमांड लिया जाए। और उनके पास क्या क्या हथियार थे जो कॉलेज के अंदर लेके बड़े हैं मारने के लिए, एक बच्चे के ऊपर मारने के लिए बड़े हैं उनके पास, और जानलेवा हमला किया गया था, और भी इसके अलावा हो सकता है जानलेवा हमला किया गया था। जानलेवा बिल्कुल जी, जानलेवा उसके अंदर ही चाकू छोड़ के, और इतने बड़े दांते चाकू के वही मार के जो भाग गए छोड़ के, वो खींचा नहीं उस पर, छूट गया उस पर, निकला नहीं है। जो निकल जाता तो अंदर कट जाता वो सारा, वो शुक्र है परमात्मा का वो अंदर ही रहा। दो जगह मारा, एक यहाँ और एक यहाँ। हाँ, वो जो निकल जाता क्या होता, बच्चा का, एक माँ बाप का बच्चा चला जाता, क्या इस देश में क्या हमारे को यही सजा मिलती है क्या? हम लोगों को यही सजा देती है हमारे को, ये ठीक नहीं है। सीएम सिटी के अंदर कैमरे लगे हैं, क्या कैमरों का कोई काम नहीं आया? देखो जी, प्रशासन का काम है जी, इनको देखना चाहिए, ये हमारा काम नहीं है, ये इनका काम है, इनको देखना चाहिए कौन ठीक है कौन गलत है, कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्यों नहीं करते? ये प्रशासन का काम है यहाँ पे। हाँ, जिसकी जिसने लिखा है या खालिस्तानी या कुछ लिखा है द्वारा, उसको पकड़े, कोई भी हो, चाहे हमारे में हो, सिख में हो, चाहे वैसे, उसको पकड़ो। क्यों नहीं पकड़ते, क्यों नहीं करो? और एपी धारा कई लगवा दी उसके ऊपर, जो कि उसने लिखा उसके ऊपर ये धारा लगेगी, ये इतनी बड़ी बड़ी एक्ट लगा दिए जिसने एक वो लिखा है, तो उसको पकड़ते क्यों नहीं? जो इतने बड़े एक्ट लगा रखे तो उसको फोन पकड़ा भी जाए। 36 बिरादरी के हम लोग पहुँचे हैं 15 तारीख को। एक लड़का जो घरोंडा का रहने वाला है, और उसकी खासियत ये है कि वो तगड़ा हो गया है, वैसे उम्र 20-21 साल की है, और उसने वो पूरे घरोंडे में कोई दुख सुख हो जाता है तो जगह जगह घूमता रहता है। वो शरीफ लड़का है और पूरा घरोंडा उसको जानता है, और बाबा जी क्या भाई का लड़का है, उसके दो बहनें हैं, और घर में ना जमीन ना कुछ। पहली तो बात, उसके दो ऑपरेशन हो चुके हैं, बालाजी हॉस्पिटल में हम लोगों ने 4.5-5 लाख रुपए इकट्ठा करके और उसका इलाज करा रहे हैं। वो बच गया है, वो दो घंटे अगर रह जाता तो उसका चक्कू जो था अंदर लगा हुआ था वो चक्कू उन्होंने निकाला और मर जाता। तो आगे किसी का माँ बाप का बच्चा चक्कू से ना मरे या ऐसी दुर्दशा से ना मरे, ये धर्म जो दिमाग में ये जातिवाद बढ़ चुका है इससे ना मरे, उसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे 11 बजे, अभी एस पी साहब से मिले हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो चाकू तो मारने वाले चाकू मार गए, उसके बाद इस सिख कौम को और उन बच्चों को बदनाम करने के लिए कोई दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख कर चला गया रात को। अगले दिन सवेरे पंजाब केसरी और अखबारों में आता है भाई खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ये साजिश किसकी है? एस पी साहब से यही कहा, उन्होंने कहा एक हफ्ते के अंदर बता देंगे कि आज हमारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। हमें लगता है कि ये साजिश भी उसी गिरोह की है जिन्होंने चाकू मारा उसको बदनाम करने के लिए। 6-7 लोगों को हाँ, अभी दो मैं बता रहा ना, दो आदमी और हैं जिनको पकड़ा नहीं गया, उनके लिए आज शाम तक या कल तक पकड़ लिया जाएगा। उसके लिए भी आए थे, दो बातों के लिए आए हम लोग यहाँ। बाबा जी ने बता भी दिया कि खालिस्तान क्या है, खालिस्तान का शब्द का मालूम नहीं कुछ नहीं, पर हमारे जो बच्चे घरोंडा से 36 बिरादरी के यहाँ पढ़ते हैं उनमें ऐसी चीज़ ना हो। वो कौन ऐसे दिमाग के बच्चे पैदा हो गए हैं जो चाकू लेकर के कॉलेज में जाते हैं और फायर देसी पेट में मार देते हैं? तो उन दुराचारियों को जेल में होना चाहिए और आगे से कोई काम नहीं होना चाहिए, और कॉलेजों में सुरक्षा होनी चाहिए इन चीज़ों की। कॉलेज सबसे बड़ा यही कारण है कि कॉलेज का प्रबंधक क्या कर रहे हैं, चाकू लेकर के, और चाकू कहाँ से आया?
किस संस्था का चाकू है, कौन बनाते हैं ये बच्चे, इतना चाकू भी रखा हुआ पुलिस वाले के पास हो तो चाकू डॉक्टर ने निकाला, तो ये सारी चीज़ बेनकाब करे तो जनता सुरक्षित महसूस करेगी। सीएम सिटी के अंदर कितने कैमरे लगे हुए तो उनका जो काम है मतलब कब इस्तेमाल किया बस कब इस्तेमाल किया जाएगा ये राम यही साहब को एस पी साहब को बताया गया है, ये बाबा मीर सिंह जी आपको बताएंगे कि इनका भाई का लड़का किस तरह से इनके पर बीत रही होगी और क्या खालिस्तान है, इनसे पूछ लो आप लोग। देखो जी एस पी ने आश्वासन बड़ा चंगा देता है, उन्होंने कार्रवाई तो तुरंत कर दी, उस दिन 6 बंदे अरेस्ट कर ला हन, पर अजे भी 2-3 बंदे जेडे मेन ने फड़ीचे ने, एक तो अभी वो वास्ते आए उन्होंने बंदे ने फड़िया जाए, दूजा असं आए सा कि जेड़ा उस रात ही दीवारां ते खालिस्तान वगैरह लिख दिता गया या नारा लिख दिता गया। असं ये गल तुहाडे चैनल के माध्यम कहना चाहते हाँ कि अज तक सिख कौम हिंदुस्तान दे विच रह रही है, पाकिस्तान असी अपनी सारिया जमीना छड के बच्चे मरवा के सारा घर लजाड़ के असी पाकिस्तान छड के ते इत्थे आ गए सा, क्योंकि साडा हिंदुओं दे नाल प्यार है ते सिख गुरुओं ने हिंदुओं वास्ते अपने शीश भी दिते, गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने सब तो ज़्यादा कुरबानियां भी दित्तियां इस देश नूं आज़ाद कराने वास्ते। अज असी खालिस्तान क्यों मंगांगे, की मतलब है, असी नहीं मंगते ना कोई मंग है। वीडियो भी वायरल की गई थी चाकू मारने के बाद, हाँ उन्होंने वीडियो की थी, मतलब शरारत कर रहे हैं। अभी तो हूँ भी कह गए प्रशासन नूं कि जेड़ा बंदा भी इस गल दे विच मतलब स्लिप्त है उन्होंने शरेआम गोली मारी जाए ताकि अगे वास्ते ये खालिस्तान वाला सिस्टम बंद हो जाए, क्योंकि इन्ने साल हो गए 47 तो देश आज़ाद होया है, अज तक ये गल किसी सुनी नहीं, हूँ आ दू चो चंद महीन के खालिस्तान फलालिस्तान जिंदाबाद फलानाबाद ये बिल्कुल झूठ है। तो सर कौन लोग है वो जो माहौल खराब करना चाहते हैं? वो लोग देखो जी शरारती बंदे ने, ये तो एक समझ लो कि जिमें एक अंग्रेज आया भी फूट डालो तो राज करो, सानू तो वही कम जाप रहा है भी फूट डालो आपे ज लड़ाओ मराओ तो तुम अपना राज करो, होर कोई गल नहीं। उन्होंने आश्वासन दिता एस पी साहब ने कि मैं न्याय ना चलना है, चाहे तुहाडा केस होवे चाहे करनाल च कोई और भी केस होवे, न्याय ते प्रति एस पी साहब प्रतिबंध ने। दीवारों पर लिखा जा रहा है जो खालिस्तान उसके बारे में क्या एस पी साहब ने किया है, एस पी साहब ने कहा है कि वो उसको पर्दा साफ कर देंगे, जो भी लड़का दोषी होगा जो भी एजेंसी दोषी होगी उनको पकड़ के सलाखों में डाला जाएगा बड़ी जल्दी, उनका टाइम उन्होंने 15-20 दिन मांगा है। आपका क्या कहना चाहते हैं? हम प्रशासन से खुश हैं, क्यों एसपी साहब ने सारी बातें सुनी हैं और उन्होंने ये कहा है कि कोई भी दोषी होगा हम जात पात नहीं देखते, हमने कानून देखना है, कानून के मुताबिक काम करना है, वो लड़के जो साहिल राणा है वो 2-3 दिन के अंदर सलाखों के पीछे होगा, ये साहब जी का ऑर्डर है। आपको लगता है सर कि कहीं ना कहीं सिख समाज को लेके मतलब सिटी का सिख समाज हमेशा हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का रहेगा, सिख समाज हिंदुओं के लिए 24 घंटे कुर्बानी देने के लिए तैयार है, तो अभी सिख कौम हिंदुओं के लिए बनी है, हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सीएम सिटी के अंदर, जी हाँ, जिसमें जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं लेकिन जो कैमरे हैं वो कहीं ना कहीं प्रूफ जो है उनके अंदर से नहीं जुटाए जाते और जिसका चलते जो गुरतेज है उनके ऊपर हमला हो जाता है, कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है और किनके द्वारा ये टारगेट किया जा रहा है इसका कुछ भी पता नहीं है। लेकिन प्रशासन से अपील है कि जो भी इसके अंदर दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए और जो भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए ताकि जो सीएम सिटी है एक साफ सुथरी सिटी वो बनी रहे। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।